प्रदेश के एकमात्र युद्ध संग्रहालय धर्मशाला में इंडियन आर्मी के विजेता टैंक को स्थापित किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ कई युद्धों में ये टैंक अपनी अहम भूमिका निभा चुका है, जो कि धर्मशाला के युद्ध संग्रहालय में यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। जानकारी के अनुसार विजेता टैंक इंडिया का वर्क हॉर्स था। पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी लड़ाइयां भारत ने लड़ी उसमें विजेता टैंक का इस्तेमाल किया गया था। जो भी पर्यटक यहां आकर इस विजेता टैंक को देखेंगे वो इससे मोटिवेट होंगे और वीर हिस्ट्री को देखने के प्रति भी उत्साहित होंगे। प्रदेश के एकमात्र युद्ध संग्रहालय धर्मशाला में इंडियन आर्मी के विजेता टैंक को स्थापित किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ कई युद्धों में ये टैंक अपनी अहम भूमिका निभा चुका है, जो कि धर्मशाला के युद्ध संग्रहालय में यहां आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। जानकारी के अनुसार विजेता टैंक इंडिया का वर्क हॉर्स है तथा पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी लड़ाइयां भारत ने लड़ी हैं उनमें विजेता टैंक को इस्तेमाल किया गया है, जो कि पर्यटन के दृष्टि से भी लोग यहां इसे देखने पहुंचेंगे। अधिकारियों की माने तो जो भी टैंक डिस्प्ले के लिए आर्मी रिलीज करती है, जो अपनी सर्विस लाइफ कंप्लीट कर चुके होते हैं उन्हें ही रिलीज किया जाता है। इसी तरह एयरफोर्स वाले भी अपने जहाज रिलीज करते हैं। यहां स्थापित टैंक कितना यूज हुआ है इसकी लॉग हिस्ट्री और मेंटेनेंस हिस्ट्री भी लॉग बुक के रूप में यहां आई है। उसका अध्ययन करने के उपरांत ही इसके बारे में ज्यादा बताया जा सकता है। सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने बताया कि युद्ध संग्रहालय धर्मशाला में विजेता टैंक स्थापित किया गया है, जो कि इंडियन आर्मी का वर्क हॉर्स है। इस टैंक को दिल्ली से मंगवाया गया है, जिससे धर्मशाला में प्लेटफॉर्म बनाने तक पठानकोट में रखा गया था। आज उसे आर्मी की मदद से युद्ध संग्रहालय में स्थापित किया गया है। सर, आज युद्ध संग्रहालय धर्मशाला में एक टैंक पहुंचा है, कहां से इसे लाया गया और क्या इसकी खासियत है? सर, ये टैंक हमने वॉर म्यूजियम के लिए जो डिस्प्ले के लिए मंगाया है, ये विजेता टैंक है जो इंडियन आर्मी का वर्क हॉर्स होता था। ये हमने दिल्ली से मंगाया है, जो पठानकोट में हमने रखा हुआ था प्लेटफॉर्म वगैरह बनने के टाइम तक, और आज जो है आर्मी की मदद से आज हमने इसको वॉर म्यूजियम के सामने इंस्टॉल कर दिया। कौन से सर इसकी क्या खासियत है इस टैंक की और किस तरह से ये जो यहाँ वॉर मेमोरियल में दर्शक आएंगे उनके आकर्षण का केंद्र कैसे बनेगा? वॉर म्यूजियम जो है ये हमारी जो वॉर हिस्ट्री है और जो मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू इवन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और विजेता टैंक जो है, जैसे मैंने बताया, इंडिया का वर्क हॉर्स था। जितने बैटल्स हमने लड़े हैं पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े हैं, तो इसने अपना वर्थ उसमें काफ़ी प्रूव किया है। और इससे आने से उसके दर्शक जो भी यहाँ पे विजिटर आते हैं, जो इसको देखेंगे, डेफिनेटली वो इससे मोटिवेट होंगे और जो हमारी वॉर हिस्ट्री है उसके बारे में जानने के इच्छुक होंगे। सर, आज भी इंडियन आर्मी में इस टैंक का प्रयोग किया जा रहा है और ये कितना पुराना टैंक जो है यहाँ पे लाया गया है? जो भी टैंक डिस्प्ले पर्पजेस के लिए आर्मी रिलीज़ करती है या एयरफोर्स जैसे जहाज रिलीज़ करते हैं, जो सर्विस लाइफ अपना कंप्लीट कर चुके होते हैं उन्हीं को डिस्प्ले किया जाता है, नहीं तो डिस्प्ले के लिए वैसे वेस्ट नहीं किया जाता है। और इतना इसका जहाँ तक कितना यूज़ किया गया वगैरह, इसके साथ इसकी जो लॉग हिस्ट्री है, लॉग बुक है, व्हीकल हिस्ट्री है, मेंटेनेंस हिस्ट्री है, वो भी आई हुई है। उसको देख के ही इसके बारे में बताया जा सकता है कि कितना पुराना है और कितना इसने काम किया है। थैंक यू।